नमस्कार, और आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। निगाह डालते हैं हमीरपुर की अहम खबरों पर। हमीरपुर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मौदहा के मकराव गांव के सुंदरलाल डिग्री कॉलेज के शोल्डर होम का किया निरीक्षण। मौदहा में लॉकडाउन के चलते सिसोलर पुलिस ने बाहर से आए हुए मजदूरों को कराया भोजन। जनपद हमीरपुर के राट कस्बे में सेवा भारती व RSS द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को बांटे गए लंच पैकेट। राट क्षेत्र के चिल्ली गांव में 9 दिन में 500 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचा परिवार, पांव में पड़े छाले, सफर की दुबरियां बताते हुए रो पड़ा मजदूर का परिवार। हमीरपुर के राट कस्बे में नगर पालिका द्वारा सड़कों पर कराया जा रहा है सैनिटाइजर। राठ पुलिस लगातार लोगों को घर पर रहने की कर रही है अपील। हमीरपुर के सुभाष बाजार में नगर मंडल भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंदों को घर घर जाकर मोदी पैकेट वितरण किए गए। हमीरपुर में कुचेचा स्थित डिग्री कॉलेज में रुके हुए बाहर से आए मजदूरों को नगर पालिका अध्यक्ष ने भोजन करा पहुंचाया उनके गांव। हमीरपुर जिला अस्पताल में कार्यरत सभी एम्बुलेंस कर्मी CMO के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर अपने काम पर वापस लौटे। हमीरपुर में कालपी चौराहे पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, सूचना पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारी, तार जोड़ने के बाद बहाल हुई विद्युत आपूर्ति। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर की तरह समाज को निरोगी रखने में अहम भूमिका निभा रहे सफाई कर्मी। सरीला में लॉकडाउन के चलते अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क किया जा रहा राशन वितरण, लोग पहुंचे राशनों की दुकान पर। लॉकडाउन के चलते गोहांड के शेल्टर होम में नायब तहसीलदार व चौकी प्रभारी ने लोगों को किए खाने के पैकेट वितरण। मौदहा के BRC कैंपस में बनाया गया कम्युनिटी किचन, लॉकडाउन के बाद बाहर से आए लोगों के लिए बनता है खाना। हमीरपुर के मौदहा के मकराव में फिगरी कॉलेज में SDM की मौजूदगी में चेयरमैन ने प्रवासियों को किए फल वितरण। दरियापुर के आश्रम पद्धति विद्यालय में बनाए गए शोल्डर होम का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। किसानों का गेहूं खरीदने के लिए सुमेरपुर मंडी व अन्य जगहों पर बनाए गए खरीद केंद्रों के पहले दिन नहीं हो पाई खरीद शुरू। समाज सेवियों ने गरीब असहाय व विधवा महिलाओं को वितरण की खाद्य सामग्री। राट कस्बे में लॉकडाउन का नहीं दिखा खास असर, लॉकडाउन के बावजूद भी बिक रही पानी पूरी। राट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में प्रवासी केंद्रों पर नहीं रुक रहे हैं मजदूर।